हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। दुआ करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, मेरे चैनल पे जो कि आप पहली बार देखेंगे, मैं आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ अपना आईलाइनर का कलेक्शन। और वैसे तो मेरे पास बहुत ज्यादा कलेक्शन नहीं है आईलाइनर्स की, बट ठीक ठाक रेंज में है मेरे पास। और इन आईलाइनर की हेल्प से आप तरह तरह के जो आई लुक है वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो प्लीज वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, आई एम श्योर आपके लिए आज की वीडियो भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे शेयर करूंगी अपने कुछ लिक्विड आईलाइनर, फिर जेल आईलाइनर जो भी मेरे पास है, और फिर जो भी स्केच आईलाइनर है या पेंसिल आईलाइनर है वो मैं आपसे शेयर करूंगी। और जो भी मैं आज आपको आई लुक दिखाने जा रही हूं, अपने अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं इसे ट्राई। अगर आप वेडिंग फंक्शन में जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंगली भी कोई सा भी आईलाइनर लुक जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास है कुछ पेन आईलाइनर है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आप देख रहे हैं, ये है एक स्केच पेन आईलाइनर है, और बाकी सभी ये पेन आईलाइनर है आप देख सकते हैं इस तरीके से हैं। ये ग्रे कलर में है, ये बाकी सभी ब्लैक हैं, ये ग्रीन, ये ब्लू, और ये बाकी आप जो देख रहे हैं ये ब्लैक आईलाइनर है। तो ये कुछ कलरफुल आईलाइनर है। तो ये आईलाइनर है मेरे पास, अगेन एक मेरे पास ये मैक का ब्लैक कलर में आईलाइनर है। नेक्स्ट मेरे पास ये जो आप देख रहे हैं ये लिक्विड आईलाइनर है, ये देखिए, ये ब्लू हेवन के आईलाइनर है, और ये स्पार्कलिंग आईलाइनर है आप देख सकते हैं, ये गोल्डन में है और ये सिल्वर में है। तो ये तीनों का मुझे कॉम्बो ऑफर में मिले थे। नेक्स्ट ये एक और मैंने ब्लू हेवन का लिया था आईलाइनर, ये भी लिक्विड आईलाइनर है। नेक्स्ट मेरे पास ये है एंड में जेल आईलाइनर है, दो म्यूजिक फ्लावर के, इनका रिव्यू भी मैंने अपने चैनल पे शेयर किया हुआ है। तो एक है ब्राउन और एक है ब्लैक, ये दो शेड हैं, दैट्स इट। और एक मेरे पास है फेसिस कनाडा का। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ एक बीबी क्रीम लगाई हुई है, पॉन्ड्स की बीबी क्रीम लगाई है, कंसीलर मैं लगा चुकी हूँ, क्योंकि कंसीलर बहुत ज्यादा जरूरी होता है जब भी कोई आप आई मेकअप करते हैं। तो आई प्राइमर और कंसीलर वगैरह ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं आपके आई शेडो के, आपके आई लाइनर के कलर को खूबसूरत दिखाने के लिए। तो यहां पर मैं कंसीलर लगा चुकी हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि मैं फर्स्ट लुक कौन सा करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ब्लैक कलर के जितने भी मेरे पास पेंसिल आईलाइनर है वो लगाकर दिखाऊंगी। तो आप देख सकते हैं मेरे हाथ में इस वक्त ये सभी ब्लैक कलर में हैं, और ये कुछ स्केच भी हैं, कुछ ब्लैक पेंसिल कलर में हैं। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले ब्लैक कलर के आईलाइनर जो है या काजल है वो लगाकर दिखाती हूँ। वैसे तो मैं ज्यादातर काजल की हेल्प से या पेंसिल इस तरह के जो आईलाइनर होते हैं यही ज्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि ये जल्दी से आपकी आंखों से हटते नहीं है और बहुत ईजिली लग जाते हैं। अगर आपने विंग्ड आईलाइनर लगाना है तो वो भी ईजिली आप लगा सकते हैं। तो यहां पर मैं सबसे पहले लगा रही हूं ये ब्लू हेवन का ब्लैक कलर में आईलाइनर है। इसे आप काजल की तरह भी लगा सकते हैं और आईलाइनर की तरह, तो इनकी यही खास बात होती है। तो आप देख सकते हैं डेली यूजेस के लिए काफी अच्छा है ब्लू हेवन के आईलाइनर्स, क्योंकि आप इसे इजिली अगर आप ऑफिस गोइंग है, कॉलेज गोइंग है, तो आप इजिली इसे ड्रॉ कर सकते हैं, आईलाइनर या काजल जो भी आप लगाना चाहते हैं, और काफी इजिली कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने ये स्मॉल विंग आईलाइनर लगा लिया है। तो ये था मेरा फर्स्ट आईलाइनर जो कि आप डेली में लगा सकते हैं। सेकंड मैं आपको यहां पर लगाकर दिखा रही हूं ये मैक का ब्लैक कलर का काजल है, इसकी हेल्प से भी आप अपना आईलाइनर लगा सकते हैं। तो ये है सिंपल आईलाइनर, अगर आप कॉलेज में जा रही हैं या स्कूल में जाती हैं तो इस तरीके से सिंपल आईलाइनर भी आप लगा सकती हैं। थर्ड जो लुक है वो मैं करने जा रही हूँ एडीएस काजल से या आईलाइनर, दोनों ही चीजों की दोनों ही तरह से आप यूज कर सकते हैं, मैं ये बार बार आपको रिपीट कर रही हूँ। तो आप ये एडीएस का जो काजल है ये मुझे 30-50 रुपीज के प्राइस में मिल गया था, इजली नॉर्मल मार्केट से मैंने परचेज किया था। और गाइज, जो मैंने आपको स्टार्टिंग के दो लुक दिखाए हैं मैक आईलाइनर से और ब्लू हेवन के आईलाइनर से, आप चाहें तो इसमें मस्कारा के कोट भी लगा सकते हैं, एक से दो कोट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि डेली में कोई भी फॉल्स लैशेस तो नहीं लगाता है, क्योंकि ये कॉलेज गोइंग गर्ल्स वगैरह के लिए, हॉस्टल गोइंग गर्ल्स के लिए बहुत ही ईजी से दो लुक थे जो कि आप इजिली ट्राई कर सकते हैं, डेली में भी आप ट्राई कर सकते हैं। मैं कुछ आपको ऐसे ही लुक दिखा रही हूँ स्टार्टिंग में, इसके बाद मैं थोड़े जो अट्रैक्टिव लगते हैं वो कलर भी दिखाऊंगी। तो ये देखिए, इससे आपकी आईज भी बड़ी दिखती है, ये छोटी आईज वालों के लिए भी बहुत ही अच्छा एक लुक है। नेक्स्ट जो है वो है फेसिस कनाडा का काजल और प्लस आईलाइनर।
तो मैं इसके हेल्प से भी आपको लगाकर दिखाती हूँ। और ये वाटर प्रूफ है, स्मच प्रूफ है गाइज, इससे बेस्ट आज तक मैंने कभी जो भी मेरे पास कलेक्शन है उसमें मैंने सबसे बेस्ट जो मेरे पास है काजल है वो यही है, क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग है, स्मच प्रूफ है, ये मिसलेयर वाटर वगैरह से या ऑयल वगैरह से ही अच्छे से निकलता है जब आप इसे निकालना चाहते हैं, अदरवाइज ये नहीं निकलेगा जब तक आप इसे निकालना नहीं चाहेंगे अपनी मर्जी से। ये देखिए गाइस कितना ज्यादा जेट ब्लैक है, वन स्वाइप में कितना प्यारा शेड देता है। और सबसे अच्छी बात यह है गाइस कि अगर आप इससे स्मोकी आई लुक क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकती हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, सबसे ज्यादा जेट ब्लैक अभी तक यही है मेरे पास। ये देखिए यहां पर मैं ले रही हूँ ये एक क्यू टिप, आप चाहें तो ब्रश की हेल्प से भी कर सकते हैं, मैं यहां पर क्यू टिप की हेल्प से कर रही हूँ, तो आप फिंगर की हेल्प से भी इसे स्मच कर सकते हैं, क्यू टिप की हेल्प से भी कर सकते हैं। और आपने पूरी आईलिड पर नहीं लगाना है, सिर्फ हाफ आईलिड पर ही लगाना है, अंदर की तरफ लगाइए। ये देखिए जिस तरीके से मैं कर रही हूं, तो ये देखिए आपका स्मोकी आई लुक क्रिएट हो गया है। और ये जल्दी से हटेगा भी नहीं। ये देखिए ये डिब्रोहा की ग्रे कलर में आईलाइनर पेंसिल है, आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा शेड है, इसकी हेल्प से भी आप अपना डेली का लुक क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप कॉलेज वगैरह में जाती हैं तो बहुत ही प्यारा लगेगा ये ग्रे कलर का स्मोकी आई लुक आप इसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, काफी पिगमेंटेड है आप देख सकते हैं। हाफ आप लोअर लैश लाइन पर भी लगा सकते हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए अब मैं इसे थोड़ा सा स्मच कर लूंगी, आप चाहें तो ऐसे भी लगा सकते हैं, अदरवाइज आप इसे स्मच भी कर सकते हैं। मुझे ये वाला लुक बहुत ज्यादा पसंद है, डेली में कई बार मैं बाहर जाती हूँ तो मैं ये वाला लुक जरूर करती हूँ, क्योंकि मुझे ये लुक बहुत ज्यादा पसंद है। और आपने पूरी आईलिड पर नहीं करना है, आप देख सकते हैं मैंने हाफ में ही किया है, फिंगर की हेल्प से भी कर सकते हैं, क्यूटिप की हेल्प से या ब्रश की हेल्प से भी आप इसे स्मच कर सकते हैं। और आप इस लुक में अपने अकॉर्डिंगली फॉल्स लैशेस भी वियर कर सकते हैं, या फिर आप मस्कारा के एक से दो कोट भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए नेक्स्ट है सबसे इजी जो मुझे तरीका लगता है वो है ये स्केच आईलाइनर, आप देख सकते हैं। और ये है मेरे पास परसोनी का लाइनर है, ये लिक्विड आईलाइनर है, ये वाटर प्रूफ तो है वाकई बट ये स्मच प्रूफ नहीं है। तो चलिए मैं इसकी हेल्प से भी आपको विंग बनाकर दिखाती हूँ। आपने छोटे छोटे स्ट्रोक में बनाना है आईलाइनर को, या डॉट में भी आप बना सकते हैं। एकदम से अगर आप लंबा विंग्ड आईलाइनर बना देंगे, मतलब बिग आईलाइनर अगर आप बनाते हैं, तो उससे आपको पता नहीं रहेगा कि आपने छोटा बनाना है या बड़ा बनाना है या कितना बड़ा आपने बना लिया है, तो इस चीज का ध्यान रखिए। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा विंग्ड बना है इसे, इसकी जो टिप होती है वो काफी बारीक होती है, आप देख सकते हैं। तो इससे आप विंग्ड आईलाइनर बहुत ही ईजिली बना सकते हैं। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। तो यहां पर मैं यूज कर रही हूँ कलरफुल आईलाइनर, ये आप देख सकते हैं मेरे पास है गोल्डन कलर में, ब्लू कलर में और ग्रीन कलर में है, तो तीन है मेरे पास जो कलरफुल में है। अगर आपने जाना है कहीं पार्टी वगैरह में, और अगर आप हॉस्टल में रहती हैं और अगर आपके पास कलरफुल आईलाइनर नहीं है, तो आप ये गोल्डन भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि गोल्डन आपकी हर एक ड्रेस के साथ इजिली मैच हो जाता है और बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है। तो ये आपको नॉर्मल मार्केट से भी मिल जाएगा, आई थिंक 20-50 रुपीज के प्राइस में इजिली मिल जाएगा, तो आप इसे भी ट्राई कर सकती हैं। मेरा जब भी कुछ ज्यादा कुछ लगाने का मन नहीं होता तो मैं सिर्फ एक ये गोल्डन कलर का आईलाइनर लगा लेती हूँ, दैट्स इट। ये देखिए कितना प्यारा है और काफी पिगमेंटेड है, वन स्वाइप में ही कितना अच्छा कलर देता है और जल्दी से स्मच भी नहीं होता है, आप देख सकते हैं। ये देखिए तो चलिए मैं इसे लगाकर दिखाती हूँ। आप चाहे तो इसे ऐसे भी लगा सकती हैं, आप देख सकते हैं शायद आपको नजर आ रहा हो। मैं आपको एक और तरीका बता देती हूँ जब हम गोल्डन आईलाइनर लगाते हैं। नेक्स्ट आप ब्लैक कलर का आई शेडो लगाने के बाद भी गोल्डन कलर का ये जो लाइनर है ये लगा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, यहां पर मैं ये मार्स आई शेडो पैलेट से ब्लैक कलर का आई शेडो ले रही हूँ, आप कोई सा भी ले सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो उसे इस तरीके से लगा लीजिए, लेकिन कंसीलर के बाद ही लगाना है, इस चीज का ध्यान रखिए। तो ये देखिए ऐसे भी लगा सकते हैं आप इसे। तो
तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है। नेक्स्ट स्टेप मेरा है यहाँ पर जो कलर है दिखा रही हूँ मैं आपको अपने हाथों में, इन दोनों ही कलर के हेल्प से मैंने स्मोकी आई लुक क्रिएट किया हुआ है ऑलरेडी अपने चैनल पे, तो आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो पे जा सकते हैं। वैसे मैं आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। तो चलिए मैं आपको लगाकर दिखाती हूँ कि इन कलर की हेल्प से आप कैसे आईलाइनर को लगा सकते हैं। आप चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं, आप पूरी लोअर लैश लाइन में लगाना चाहते हैं तो पूरी तरह भी लगा सकते हैं। ये देखिए, अगर आपका ज्यादा कुछ लगाने का मन नहीं है ना, तो आप इस तरीके से भी आईलाइनर को लगा सकते हैं। दैट्स इट, आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है इससे आईज और कितना पॉप आउट हो रहा है ये कलर भी। नेक्स्ट मैं ब्लू कलर का आईलाइनर यूज कर रही हूँ। दूसरा मैं आपको एक और टेक्निक बताने जा रही हूँ कि आप ब्लू कलर के लाइनर को किस तरीके से लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने अपनी हाफ लाइन में ये लगाया हुआ है ब्लू कलर का आईलाइनर। नेक्स्ट मैं यहां पर लगा रही हूं फेसिस कैनेडा का ये काजल। आपने हाफ, ये देखिए हाफ आईलाइनर आपने लगाना है ब्लू कलर का, और हाफ में मैं लगा रही हूं ब्लैक कलर का। तो ये देखिए, आप इस तरीके से भी इस कलर को और ज्यादा पॉप आउट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है इसके साथ। ये आप दो तरीके से भी लगा सकते हैं। ये नाइट पार्टी के लिए बहुत ही अच्छा लगेगा, और अगर आप वेडिंग फंक्शन में जा रहे हैं तो नाइट फंक्शन वगैरह में काफी अच्छा लगेगा, तो आप देख सकते हैं। मैं यहां पर लगा रही हूं ब्लू हेवन का ही गोल्डन कलर में, ये लिक्विड आईलाइनर है। तो ये देखिए, ये भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट मैं लगा रही हूँ ब्लू हेवन का ही ये सिल्वर कलर का आईलाइनर है। ये भी लिक्विड आईलाइनर है और ये मुझे कॉम्बो ऑफर में मिले थे, और ये भी वेडिंग फंक्शन वगैरह में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। आप इसे आई शेडो के साथ भी मैच करके लगा सकते हैं, तो आप इसे विंग्ड आईलाइनर की तरह भी लगा सकते हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट मैं लगा रही हूँ यहाँ पर ब्लैक कलर का लिक्विड आईलाइनर। अगेन मेरे पास आप ये देख सकते हैं स्मॉल क्यूट सा ये ब्लू हेवन का ही आईलाइनर है, और इसका एप्लीकेटर बहुत ही अच्छा है, इसका ब्रश बहुत ही अच्छा है। इससे आप विंग्ड बहुत इजीली बना सकते हैं और काफी अफोर्डेबल भी है। सभी के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी परचेज लिंक इनकी, तो आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। काफी लोगों को बहुत ही पतला सा और सिंपल सा आईलाइनर पसंद होता है, तो उनके लिए ये लुक बहुत ही अच्छा है। ये देखिए, दैट्स इट। मैं आपको एक और लुक बता देती हूँ साथ ही साथ कि आप ब्लैक कलर का आईलाइनर ऊपर की लाइन में आप ब्लैक कलर का लगा सकते हैं, और लोअर लैश लाइन पे आप ये ब्लू हेवन का जो आईलाइनर है यानी कि ब्लू कलर का कोई भी आईलाइनर लगा सकते हैं। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, या आप ग्रीन कलर का भी लगा सकते हैं। तो चलिए मैं नेक्स्ट आईलाइनर भी दिखा देती हूँ आपको। नेक्स्ट जो मेरे पास आप देख सकते हैं दो जेल आईलाइनर है, ये ब्राउन कलर में है और ये ब्लैक कलर में है। तो चलिए मैं सबसे पहले ब्राउन कलर का आईलाइनर दिखा देती हूँ। ये लगाना मुझे बहुत ज्यादा इजी लगता है इस पेंसिल ब्रश की हेल्प से, वो भी क्योंकि इससे आप विंग्ड आईलाइनर बहुत अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। इनका रिव्यू भी गाइस मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट को। तो ये भी काफी नेचुरल लगता है, आप देख सकते हैं काफी नेचुरल लगता है ये भी। तो चलिए मैं ब्लैक कलर का लगा के दिखा देती हूँ आपको। तो ये देखिए, आप इसकी हेल्प से कितने इजीली विंग भी बना सकते हैं। तो इसे आप अपने इनर कॉर्नर्स भी लगा सकते हैं, आप देख सकते हैं हाफ इनर कॉर्नर में भी लगा सकते हैं आप इसे। इसके बाद आप मस्कारा लगा लीजिए या फिर आप फॉल्स लैशेस भी वियर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है ये लुक भी। अब मैं सिल्वर कलर के आईलाइनर से भी आपको एक लुक बता देती हूँ आईज का। तो ये लुक भी काफी अच्छा लगता है, आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं। नाइट फंक्शन के लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा ये लुक। नेक्स्ट मैं लास्ट दिखा रही हूं आपको आईलाइनर, ये है मैक का आईलाइनर जो कि मेरा फेवरेट है, करंट फेवरेट है मेरा। और इसका एप्लीकेटर भी बहुत ही अच्छा है, इसका ब्रश मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। इसकी हेल्प से भी आप विंग्ड आईलाइनर बहुत अच्छे से बना सकते हैं, बहुत इजीली बना सकते हैं। तो चलिए दिखाती हूं मैं आपको नेक्स्ट एक और लुक।
अगर आपको थोड़ा सा बोल्ड आईलाइनर लगाना है तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। सो गाइज, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई रियली होप कि आपको पसंद आई हो, और पसंद आए तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल बटन इसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको इससे मेरी न्यू वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और गाइज, ये बिल्कुल फ्री है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, और प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। तो चलिए, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।